By God, एक जबरदस्त प्लान आया अपन के माइंड में। क्या? अरे ये दोनों को मालूम नहीं है कि अपन जेल से भागे हुए कैदी हैं। तो इसका फायदा उठाते हैं, इनको ढाल बनाते हैं और मुंबई निकल लेते हैं। एक बार मुंबई पहुंच गए तो पुलिस का बाप भी अपन को ढूंढ नहीं पाएगा। अरे लेकिन पुलिस हमें ढूंढ रही होगी, वहाँ हाईवे पर चेक पोस्ट बना रखे होंगे। अरे अरे तो उस रिद्धि को लेके चलते हैं ना, गाड़ी उसको चलाने बोलेंगे, फंसेगा तो वो फंसेगा। क्या बोलता है? प्लान में दम तो है। क्या सोचा है आप लोगों ने? सॉरी हम लोग आपको छोड़ आते, लेकिन हम अभी अभी नाइट ड्यूटी खत्म करके आए हैं, हाईवे का रास्ता है, अगर बीच में कहीं आंख लग गई तो। लिसन इट्स ओके, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, आई मीन अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है आप चला लीजिए। ओके मेरे को डेढ़ साल लग रहा है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी इसने। अरे ज्यादा शांत पति करेगा तो तबका डालेंगे। क्या कर रहे हो शिवाय? वो हमारी मदद कर रहे हैं, तो नाम पूछने में क्या बुराई है? नाम तो पता होना चाहिए ना, और वैसे इतना लंबा रास्ता है, थोड़ी बातें बातें करते चलेंगे, गपशप मार लेंगे तो मजा आ जाएगा, है ना भाई साहब? क्या बोलते? तो नाम से शुरू करते, बताइए क्या नाम है आपके? अमर प्रेम। अमर प्रेम, अमर प्रेम। कहीं आप लोग झूठ मूठ के नाम तो नहीं बता रहे हो? Behave yourself, तुम हंस क्यों रही हो? अरे शिवान के नाम ही ऐसे है, अमर प्रेम। वो क्या था? मार्क इधर है, तो जब मैं हूँ मार्क इधर है। I'm sorry. एक और मैं बताती हूँ, सुनो दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो। एक और सुनिए, अमर प्रे, अमर और प्रे। okay. नाम सुनते ही मैं समझ गया था तुम फिल्मी और आवारा किस्म के लड़के हो। यार ये मेरा भेजा पका दे, मैं इसको भी ठोक दूंगा। अरे कंट्रोल कर भाई, मुंबई पहुंचना है ना, कंट्रोल कर भाई प्लीज। कैसे की मैंने अच्छी की ना, बताइए। अमर प्रेम। तो आप लोगों ने अंदाज अपना अपना तो देखी होगी ना? नहीं। गुड नाइट। क्या आप लोगों ने अंदाज अपना अपना नहीं देखी? शिवा हाथ धोती है, अंदाज अपना अपना नहीं देखी? और जो जो रवीना होती है वो असल में जो करिश्मा होती है, और जो करिश्मा जो असल में रवीना होती है, उनकी शादी हो जाती है अमर और प्रेम के साथ। थैंक यू सो मच अनिका पूरी कहानी सुनाने के लिए। अब अमर और प्रेम को अंदाज अपना अपना देखने की जरूरत नहीं। नहीं थैंक यू, मैंने सिर्फ उनकी कहानी सुनाई, अभी तो गाने बचे, बहुत अच्छे अच्छे गाने, और वो वाला तो मेरा फेवरेट है, रात और ये दूरी। सुनाओ एक मिनट। रात और ये दूरी तेरा मिलना है जरूर, कि दिल मेरा मेरे कान दुख रहे हैं, और तुम्हारा गला भी दुख जाएगा, इसलिए थोड़ा आराम दे दो। हाँ वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाती है। थक गई हूँ मैं थोड़ी, वैसे बहुत अच्छा गाती है। एक काम करते, रेडियो चलाती हूँ। नहीं नहीं मुझे थोड़ी शांति चाहिए, जस्ट इतना अच्छा गाया तो आई नीड टू रिकवर। हां वैसे सही कह रहे हैं आप, थोड़ी शांति होनी चाहिए, और वैसे भी अगर रेडियो चलाऊंगी तो हर दो मिनट में तो वो बार बार एक ही सूचना दे रहे हैं, दो कैदी फरार हैं, दिमाग खराब कर दिए। कैदी? हाँ वो क्या है ना, दो लल्लू पंजू जेल से ना भाग गए, तो तब से रेडियो वालों ने जान खा रखी, कल से वो ही बजा रहे हैं और गाना तो सुनाते नहीं है। थोड़ी देर प्लीज चुप चुप रहोगी? शायद आप मुझे बोलने ही नहीं देते। नहीं तुम गा लेना बाद में, ठीक है? चुप ठीक। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब मुंबई। मैं बात कर लूं? बात नहीं, गाड़ी साइड में कीजिए, गाड़ी चेक करनी है हमें। क्यों? वो एक्चुअली क्या है कि दो कैदी वहां से। हाँ, हमें पता है, कल रात से फरार है ना दो कैदी, पता है हमें। मैं बात कर लूं? जी सर बताइए। बात नहीं, गाड़ी चेक करनी है। अरे
चेहरे पर आपको चेकिंग क्यों करनी है? हमारे साथ दो फॉरेस्ट रेंजर्स है, देखिए। मुझे रोक ले और मैं सचमुच आज इसको टपका दूंगा। शांत हो जा भाई, पुलिस है, शांत हो जा। फॉरेस्ट रेंजर? एब्सोल्युटली ओके, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, प्लीज फील फ्री। हाँ वैसे भी टाइम की बर्बादी है, पर अगर आपकी ड्यूटी है तो कर ली। कर लीजिए। नहीं नहीं, जब फॉरेस्ट रेंजर्स आपकी गाड़ी में बैठे हुए तो गाड़ी चेक करने की क्या जरूरत है? आप लोग जा सकते हैं प्लीज। एक मिनट। आपके साइड वाले टायर में हवा कम है, आराम आराम से जाइएगा क्योंकि दूर तक पेट्रोल पंप भी नहीं है। ओके थैंक यू प्लीज। आजकल ये गाड़ियों के टायर ना एकदम 2 रुपीज हो गए हैं, पता है आपको? आपको पता है कल क्या हुआ? कल हमारी गाड़ी के टायर में आग लग गई और आज आपकी गाड़ी के टायर की हवा फुस हो गई है। देखिए क्या हो क्या गया है, अच्छा काम ही नहीं करता। पुलिस! इतनी पुलिस चोर तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी जितनी चोर पुलिस मैंने आज देख ली है। पर चोर क्या है? हाँ वो भी है, पुलिस ही पुलिस है, चोर तो दिख नहीं रहा है और पुलिस को भी चोर नहीं दिख रहा है। वैसे क्षमा है, अगर ये कोई बी ग्रेड पिक्चर होती ना तो ये जो दोनों भाई साहब है ना फॉरेस्ट रेंजर्स, वो सच्ची में चोर निकलते। प्रॉब्लम है सर? जी हाँ, हमारी बाइक खराब हो गई है। अच्छा, मुझे लगता है ये बेचारे हमारी तरफ फंस गए हैं, हमें इन्हें लिफ्ट दे देनी चाहिए। अबे यार ये मरवाएगी, मैं इसको पक्का ठोक दूंगा आज। अरे रुक जा, कंट्रोल कर भाई, कंट्रोल कर। अगर आप चाहें तो हम आपको छोड़ सकते हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, आइए आप बैठिए अंदर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आइए। सर इफ यू लाइक मेट्स। जी बिल्कुल, थैंक यू। वैसे आप काम क्या करते हैं? आई एम अ बिजनेसमैन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शिवाय सिंह ओबराय हैं ना? यू आर राइट। और ये मेरी बीवी है अनिका। ओके, और आप दोनों क्या करते हैं? आपको ये नहीं पता? अरे ये फॉरेस्ट रेंजर्स हैं। वो क्या हुआ ना कि कल हमारी गाड़ी के टायर में ना आग लग गई थी और हमारे पास कोई जगह ही नहीं थी रात गुजारने के लिए, तो हमें इन्हीं के कैबिन में रात गुजारी है और ये आज हमें मुंबई तक लिफ्ट दे रहे हैं। इन्हीं की गाड़ी है। वो क्या इन्होंने नाइट ड्यूटी की ना, थक गए बेचारे, तो मेरे पति की कार चला रहे। फॉरेस्ट रेंजर इस एरिया में? एग्जैक्टली कौन सा एरिया आपके अंडर में आता है? पनवेल। और किसी भी इनलीगल एक्टिविटीज के बारे में आप किसे रिपोर्ट करते हैं? इट डिपेंड्स कि वो एक्टिविटी किस एरिया में हो रही है, उस हिसाब से हम उस पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करते हैं। कमाल है, आप दोनों इस एरिया में पोस्टेड हैं और हम आपसे मिले नहीं हैं। अच्छा ये बताइए जो है, हम अभी तक चुप होने का नाम नहीं ले रही थी और अभी कुछ बोल नहीं रही हो। मैं सामने देखूं या तुम्हारे इशारों को समझूं? क्या क्या? नहीं मैं इशारे कहां कर रही हूं, वो एक मेरी आंख में कुछ चला गया है। एक
अच्छा सुनिए ना शिवाय, शिवाय वो मेरे मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? रेखा मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाल कैसे लग रहे हैं? आप एक मिनट मेरी तरफ देख लेंगे तो आपको मिचमिची मच जाएगी। देखिए तो कि मेरे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने मेहंदी लगाई थी और कि मेरी मेरी गर्दन कितनी अच्छी लग रही है। मेरी नई इयररिंग तो देखिए एक बार। हम पार्टी में नहीं जा रहे अनिका, घर जा रहे हैं। ओके जा रहे हैं लेकिन पहुंचेंगे नहीं। कुछ कहा? कुछ नहीं। क्या करूं, शिवाय को कैसे बताऊं? मुझे लगता है हमें एक और कोड वर्ड रखना चाहिए खतरे के लिए। ओए 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 ओए। क्या 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 हो गया है तुम्हें? तुम गा क्यों रही हो? शिवाय आपको क्या हो गया? एक सीधी सी बात नहीं समझ में आती आपको? ये बात नहीं, गाना है, गाना। लगता है भाभी जी अंताक्षरी खेलना चाहती है। Really? तुम्हें अंताक्षरी खेलनी है? अच्छा आइडिया है। गाना गाते गाते जाएंगे तो सफर जल्दी कर देगा। वैसे मुझे लगता है हर सफर को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसका सफर कौन सा आखिरी है। आपकी बारी, ओए ओए के ए से गाइए। ओए ओए के ए। आप रहने दीजिए, मेरे पास एक गाना है, मेरे पास है शिवाय, सुनिए। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी दे। अनिका मेरी मेरी टर्न है ना, तो मैं गाऊंगा। भाभी जी टीम बना के खेलने के मूड में है, फ्रंट सीट वर्सेस बैक सीट। उस हिसाब से तो अब हमारी बारी है। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब तो अब सो चुके हैं और हम चारों ही हैं खेलने वाले, दो आगे दो पीछे। ओके तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद यू, आप लोग गाना गाइए। गोली मार भेजे मैं कि भेजा शोर करता है। भाभी जी अब आपकी बारी। ओए 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 ओए। क्या 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 हो गया तुम्हें? वही ओए ओए लगा रखा है लूप पर। हाँ तुम्हारी सुई वहीं अटक गई है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ मेरी वहीं अटक गई है सुई, लेकिन आप क्यों भूल गए हैं? मैं कुछ नहीं बोला हूँ, मुझे मुझे याद है गाना। ओके लेट मी ट्राई दिस। ओए 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 या सी आई रिमेंबर इट। सिर्फ गाना याद है, किस चीज के लिए गाया था याद है? मैंने उसमें डांस भी किया था शिवाय, आपको याद है? ऑफ कोर्स याद है मुझे। अगर याद है तो ये याद है कि क्यों डांस किया था उस पे? क्योंकि ये हमारा कोड है। तो देखो मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं कब से आपको ओए ओए चिल्ला रही थी, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा था? क्या सपना आएगा कि तुम मुझे कोई वार्निंग दे रही? मुझे लगा तुम अपना फेवरेट गाना गा रही हो। मतलब शिवाय ओए ओए हमारा कोड वर्ड था ना, आप भूल कैसे सकते हैं? हाँ पर ये तो उस वक्त का कोड वर्ड था ना। और तुम इतनी बातें करती हो ना कि अगर मैं सारी बातें समझने जाऊंगा ना माय ब्रेन विल एक्सप्लोड। तो अच्छी क्वालिटी का ब्रेन खरीदना चाहिए था ना। तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? और आपको लगता है कि मैं ऊट पटांग बातें करती हूँ? ऊट ऊट पटांग क्या होता है?
अरे ऊंट पटांग, ऊल जलूल। ऊल जलूल क्या? कहाँ से लाते हो इस सारे शब्द? ये ना बिना सर पैर की बातें करती हो और तुम। हाँ, ऊंट पटांग का मतलब बिना सर पैर की बात। करेक्ट। एक मिनट, आपको लगता है कि मैं बिना सर पैर की बातें करती हूँ? गलती आपकी है कि आपको समझ में नहीं आया कि मैं ओए ओए गा रही हूँ। ओए ओए का मतलब नहीं समझ में आया। अगली बार जब मैं ये गाना गाऊंगा तो आप समझ लीजिएगा कोई खतरा। ए, बाहर आओ दोनों, बाहर आओ, बाहर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जो जेल से भागे समझदार हो। देखो हमारा तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट लेट्स गो। सुन तो इसको क्या बोल रहा है, ताकि तुम जाके पुलिस को ये बता दो कि हम दोनों वही कैदी है और पुलिस हमको पकड़ ले। देख सुन, तू हमारे लिए बहुत खतरनाक है और तुम दोनों को तो हम मारेंगे ही मारेंगे। मानिका भागो। नहीं शिवाय, नहीं मैं नहीं जा रही। मानिका इधर आ। नहीं शिवाय, नहीं मैं नहीं जा रही। बाहर निकल, बाहर निकल। सिर्फ बात करनी है ना, मुझसे बात कर। इसे जाने दो, इसे जाने दो। अरे पूरे रास्ते बकर बकर करके मेरे दिमाग का दही कर दिया और इसे जाने दो। सबसे पहले मैं इसे ही ठोकूंगा। How dare you? मेरी बीवी के बारे में इसे बात करने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? उड़ के लियो। थैंक यू। अबे ओए तू तो गया। जब मैंने कहा था रन तो भागी क्यों नहीं तुम? आपको छोड़ के कैसे चली जाती मैं? हर बार इमोशनल फूल बनने की जरूरत नहीं है, कभी कभी अपने दिमाग से सोच लिया करो। What? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो तुम मुझे फॉलो नहीं करती ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। चुप कर। ये मेरी वजह से हो रहा है, ये आपकी वजह से हो रहा है। आपने झगड़ा बीच में छोड़ा, इसे मैं पीछा कर रही थी आपका। नहीं पर अगर तुम शुरुआत ही नहीं करती तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन आप गए थे ना मुझे बिना बताए अनाथाश्रम मेरी इन्फॉर्मेशन निकालने, इसलिए मैंने झगड़ा किया था। गलती आपकी है, आपकी। मानेगा तुम? हड्डी तोड़ दे। ए, अभी बस कुछ करने का नहीं, चुपचाप खड़े रहने का। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।